अमेरिका में भारतीय छात्रों की टारगेट किलिंग, सिर्फ 3 महीनों में 9 भारतीय छात्रों की मौत। 16 मार्च को हुई भारतीय छात्रा अभिजीत की हत्या। अभिजीत के ऊपर कुछ अज्ञात हमलावरों ने हमला बोल दिया था। इसके बाद मृत शरीर को कार में भरकर जंगल के अंदर फेंक दिया था। अमेरिका में भारतीय छात्रों की टारगेट किलिंग, सिर्फ 3 महीनों में 9 की मौत। अभिजीत की हत्या से बढ़ी चिंता। अमेरिका में आंध्र प्रदेश के रहने वाले भारतीय अमेरिकी छात्र की हत्या की खबर के बाद अब सरकारी तंत्र समेत पूरे देश की चिंता बढ़ गई है कि आखिर ये अमेरिका में हो क्या रहा है। क्या वहां पर भारतीय छात्रों को टारगेट बनाया जा रहा है या फिर कारण कुछ और है। हैरानी की बात यह है कि इस साल 2024 के सिर्फ 3 महीनों में ही 10 छात्र अपनी जान गंवा चुके हैं। कई मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं कि लगातार भारतीयों की अमेरिका में हत्या होना एक गहरी चिंता दे रहा है। आंध्र प्रदेश के पारूचूरी अभिजीत छात्र के केस समेत 2024 के शुरुआत में अब तक 10 भारतीय छात्रों की मौत हो चुकी है। हालांकि शुरुआती रिपोर्ट में इन मौतों की अलग अलग परिस्थितियाँ बताई गई हैं। 2024 में मारे गए भारतीय छात्र, 3 जनवरी 2024, विवेक सैनी 25 वर्षीय की जॉर्जिया में हत्या की गई, जिसे एक ड्रग एडिक्ट ने मारा। 17 जनवरी नील आचार्य 22 वर्षीय पडरियू विश्वविद्यालय में रहस्यमयी हालातों में मौत हुई। 18 जनवरी अकुल धवन 21 वर्षीय अरबाना शैंपेन विश्वविद्यालय परिसर में मौत हुई। बार में एंट्री ना देने के चलते बाहर ही खड़े रहने से हाइपोथर्मिया से मौत हो गई। 23 जनवरी समीर कामत 25 वर्षीय संरक्षित क्षेत्र में इनका शव मिला, हालांकि मौत का कारण नहीं पता चल पाया। 31 जनवरी श्रेयस रेड्डी 19 वर्षीय इनके छात्रावास के कमरे में शव मिला, मौत का कारण अज्ञात है। 7 फरवरी विवेक तनेजा 41 वर्षीय रेस्टोरेंट में इन पर हमला हुआ, जिसके बाद इलाज के दौरान इनकी मौत हो गई। 6 फरवरी जी दिनेश और निकेश 20-20 वर्षीय कमरे में इनका शव मिला, कारण गैस रिसाव बताया गया। 16 मार्च पारचूरी अभिजीत 20 वर्षीय कार में इनका शव मिला, कारण अज्ञात है। मौतों के कारण रहस्यमयी, आंकड़ों से पता चलता है कि इन मौतों में ज्यादातर की हत्याएं की हुई हैं। वहीं कुछ की रोड एक्सीडेंट में मौत हुई है तो कोई लापता हुआ और फिर उसका शव मिला। कनेक्टिकट से लेकर इंडियाना तक के राज्यों में पुलिस रिकॉर्ड के अनुसार एक भारतवंशी प्रोफेशनल के अलावा मारे गए सभी पुरुष महिलाओं की उम्र 25 वर्ष और उससे कम थी। गौर करने की बात यह है कि इनके अलावा भी कई ऐसे मामले हैं जिनमें भारतीय छात्रों पर हमले हुए, जिनमें वे गंभीर रूप से घायल हो गए।